नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ टेल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जो आप सुन करके आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ये कहानी है एक वैज्ञानिक के प्रेम कहानी। उसने जब अपनी मृत पत्नी के एक खत लिखा और उनका नाम है नोबेल विजेता महान वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन। अपनी पत्नी की मृत्यु के 16 महीने बाद उन्होंने ये खत लिखा था और उनकी पत्नी का नाम था आर्लाइन। इनको टीबी की बीमारी थी और फिनमैन के फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते थे कि इनसे शादी हो, क्योंकि वो चाहते थे कि जब एक लड़की को टीबी की बीमारी है और उस समय टीबी का इलाज नहीं हुआ करता था तो ज़िंदगी किस तरह से आगे निभाएंगे। परंतु इन्होंने शादी की अकेले में, कोई आया नहीं इनकी शादी में इनके फैमिली वाले। और ये जो कलेक्शंस है, वैसे किसी का प्रेम पत्र पढ़ना अच्छी बात नहीं है, परंतु ये एक इन्होंने एक बुक लिखी हुई है कि परफेक्टली रीजनेबल डेविएशंस फ्रॉम द बीटन ट्रैक। इसमें ये इनके फिनमैन के जो लेटर्स हैं, इन्होंने अपनी माँ को लिखे हैं, अपने फ्रेंड को लिखे हैं, अपनी वाइफ को लिखे हैं, उसमें से ये कलेक्शन में से ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन पत्र माना जाता है। आइए देखते हैं कि इन्होंने इसमें क्या लिखा था। तो 17 अक्टूबर 1946 को इन्होंने ये पत्र लिखा था कि प्रिय आर्लाइन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें यह सुनना कितना पसंद है। मैं केवल इसलिए नहीं लिखता हूँ कि तुम्हें यह पसंद है, मैं इसलिए भी लिखता हूँ क्योंकि ये मुझे अंदर से गर्मजोशी से भर देता है। बहुत लंबा समय हो चुका है जब मैंने तुम्हें आखिर बार लिखा था। शायद 2 साल पहले। मुझे पता है कि तुम मुझे इस सब के लिए क्षमा कर दोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कितना जिद्दी और रियलिस्टिक पर्सन हूँ। और मुझे लगा कि लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं मेरी प्रिय पत्नी को, जो देरी की है इन सब कामों में, जो मैंने अतीत में काम किया है, वो सब बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। मेरे दिमाग को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे मर जाने के बाद प्यार करने का क्या मतलब, परंतु मैं अभी भी तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ, तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरा ध्यान रखो, मुझे प्यार करो। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ उसे भी तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं जो छोटे काम करता हूँ, जो मैंने करना शुरू किया था, वो मैं फिर तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों ने एक साथ कपड़े बनाने, चाइनीज सीखने, जैसे मूवी देखने के लिए प्रोजेक्टर खरीदे थे, वो सब काम मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। परंतु मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ, कंप्लीटली अलोन। मेरे जितने भी खुराफाती आइडियाज हुआ करते थे, उन सब को तुम बर्दाश्त भी करती थी और तुम मेरे लिए एक आइडिया वूमेन थी, जो मेरे काम को करने में बहुत सहायता करती थी। जब तुम बीमार थी, तुम मेरी बहुत चिंता करती थी कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, परंतु मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें इन सब के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, ताकि मेरे रास्ते में कोई और ना आए। मैं इतना प्यार करता हूँ कि तुम मेरे लिए मरी हुई हो, परंतु किसी भी जीवित व्यक्ति से बहुत बेहतर हो। मुझे पता है कि तुम यही कहोगी कि तुम एक मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, और तुम चाहोगी कि मैं पूरी तरह से खुश रहूँ और खुशहाल अपनी ज़िंदगी बताऊँ। परंतु मैं ये शर्त लगाता हूँ तुमसे कि मैंने अभी तक कभी भी, मेरी कोई और गर्लफ्रेंड नहीं रही है एक्सेप्ट यू,
सिर्फ तुम्हारे सिवा। 2 साल बीत गए हैं परंतु यही सही है, क्योंकि मैंने कई बार बहुत लड़कियों से मिला हूँ परंतु 2-3 मुलाकात में वो सब राख के जैसी उड़ जाती हैं। तुम ही रियल हो माई डार्लिंग वाइफ, आई डू अडेयर यू, आई लव माई वाइफ, माई वाइफ इज डेड, मेरी पत्नी मर चुकी है। ये खत मेल ना करने के लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारा नया पता नहीं जानता हूं। योर रिचर्ड फिनमैन। तो फ्रेंड, ये थी आज की कहानी, जिसमें मैंने बताया कि एक वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन ने अपनी मृत पत्नी अरलाइन को ये लव लेटर लिखा था। हालांकि इसके बाद में भी इन्होंने 2 शादियां की थी, परंतु अपनी पत्नी अरलाइन के लिए इनको यही प्यार था। और इसको मैं इंग्लिश में भी, ये चूँकि खत था, मैं इसको हिंदी में आपको सुनाया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक दूसरी कहानी में, और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।